हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हम यूनिट फोर्थ स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक यूनिट फोर्थ तक लेक्चर्स नहीं अटेंड किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और कंप्लीट आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में हमें स्टडी करना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल फीमेल और उसके अलावा अदर जो टॉपिक्स हैं वो इस यूनिट के अंदर कवर होने वाले हैं। तो जैसे आपने पीछे के लेक्चर्स अटेंड किए हैं रेगुलरली, ये यूनिट भी आप अच्छे से कवर करना, देन हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले भी आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, 10th 11th 12th सभी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाता है आपको। तो समझने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। मैंने आज के इस लेक्चर में सिर्फ नेम है, टॉपिक्स के नेम है, मैं उनको समझाऊंगा बस आपको। बाकी आपको कंप्लीट थ्योरी जो है वो नोट्स में मिलेगी, क्योंकि इतनी थ्योरी है इसमें कि हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एक एक टॉपिक के बारे में समझाया गया है नोट्स के अंदर। लेकिन बात कर लेते हैं बेसिक्स की। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप सभी को पता है मेल एंड फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होता है, दोनों के वर्क अलग अलग होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा, उसको अकॉर्डिंग टू ऑर्गन टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, जो बॉडी से बाहर की ओर होता है, और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। तो बॉडी के बाहर की ओर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेनिस, जो क्या रखता है, कंटेनिंग यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, हमारा यूरिन बॉडी की बाहर आउट किया जाता है। तो ये जो डायग्राम है इससे हमें कंप्लीट समझना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो इसमें जो ये पार्ट है, ये हमारा बॉडी के बाहर की ओर निकला हुआ है। तो ये जो ये पार्ट है, तो इसमें ये जो पेनिस है इसके अंदर होता है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी के बाहर की ओर निकलता है। इसके अलावा यूरेथ्रा से जो हमारा सीमन है वो भी पास होता है। तो इसका जो रोल है वो भी आगे हम देखेंगे। अभी बात कर रहे हैं हम पार्ट्स की। तो ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन हो गया हमारा पेनिस। बात करते हैं सेकेंड, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ये टू पार्ट्स में होते हैं, मतलब जो सेक्रोटम होता है सेक्रोटम में ये प्रेजेंट होते हैं। सेक्रोटम एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। जो भी जो सीमन का है प्रोडक्शन होगा वो बेसिकली इसके अंदर होगा। इसके अंदर बेसिकली सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं सीमन का। जब हमारा स्पर्म किसके साथ मिक्स होता है, सेमिनल फ्लूइड के साथ मिक्स होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फिर सीमन। तो जो कंप्लीट लिक्विड होता है उसको हम सीमन बोलते हैं, जो कहाँ से निकलता है, हमारे टेस्टिस से। सेकंड है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस हमारी जो एक ट्यूब होती है जो टेस्टिस से जो हमारा सीमन होता है, स्पर्म होता है, उसको कैरी करती है। कहाँ लेके जाती है, यूरेथ्रा में। और सेमिनल वेसिकल्स, जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ मिलकर जो सेमिनल फ्लूइड है उसको मिक्स करती है और स्पर्म को सीमन में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी यही वर्क है कि वो सेमिनल जो फ्लूइड होता है उसको मिक्स करती है और जो हमारा स्पर्म है उसको स्विमिंग के लिए
और भी जो उसको रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करवाता है हमारा प्रोस्टेट क्लिनिक। बाकी ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब है सेक्रोटम। सेक्रोटम क्या होता है? एक ऐसा पार्ट है जो हमारे टेस्टिस को, जो इसका टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है। इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस लेस होता है, जिससे इजीली जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो सकता है उसके लिए टेम्परेचर कम ही रिक्वायर्ड होता है। तो ये कंप्लीट डायग्राम है। इसमें देखिए, ये हमारा ब्लेडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है, और ये हमारी वॉश डेफरेंस है जो डायरेक्टली टेस्टिस से कनेक्टेड है। 2 वॉश डेफरेंस होगी, ये हमारे यूरेटर्स हैं, और इसमें ये यूरेथ्रा हो गया जहाँ से यूरिन पास होगा। ये है एपिडाइडाइमिस। इसका काम क्या होता है? ये मेच्योर करते हैं और स्टोर करते हैं किसको? स्पर्म को, जो बने हुए स्पर्म हैं उसको स्टोर करेंगे एपिडाइडाइमिस। और इसके अलावा ये हमारा पेनिस हो गया, और ये इरेक्टाइल टिश्यूज़ हो गए। इरेक्टाइल टिश्यूज़ आप सभी को पता है पेनिस में प्रजेंट होते हैं। ये सेक्रोटम हो गया जिसके अंदर ये हमारा टेस्टिस प्रेजेंट है, ये टेस्टिस हो गए, ये सेमिनल वेसिकल्स हो गए। तो ये एक डायग्राम है, आप इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है आपको, देन टाइप्स क्या क्या है, देन डायग्राम आपको बनाना है, और देन जो टॉपिक्स हैं हमारे टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, देन लास्ट में लिखना है आपको फंक्शंस। बात कर लेते हैं फंक्शंस की, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक हार्मोन है जो रिलीज करता है टेस्टिस। एपिडाइडाइमिस, इसका क्या काम है? मेच्योर एंड स्टोर द स्पर्म। स्पर्म डक्ट, इसका काम क्या है? कैरी स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडाइमिस टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तक लेके जाता है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूड। सेमिनल फ्लूड प्रोड्यूस करते हैं, उससे क्या होता है, जो स्पर्म है उसको फीड मिलता है और अलाउ करता है स्विम के लिए। स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूड आर कलेक्टिवली कोल्ड सीमन। इसको हम दोनों को मिला दें तो बन जाता है हमारा स्पर्म से सीमन। यूरेथ्रा अलाउ द पासेस ऑफ आइदर यूरिन और स्पर्म। जो यूरेथ्रा है वो यूरिन के साथ साथ स्पर्म को पास करता है। पेनिस, पेनिस का क्या काम है? प्लेस स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। फीमेल बॉडी के अंदर जो हमारे स्पर्म है उनको प्लेस करेगा। इसके अलावा यूरिन के एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करेगा। सेक्रोटम क्या करता है? कीप द टेस्टिस एट लोअर टेम्परेचर। टेस्टिस का टेम्परेचर लोअर कर देता है जिससे इजीली जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो हो सके। तो आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। इसकी जो थ्योरी है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स मिल जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।